फ्रेंड्स, द एजुकेशन इंडिया में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने हम उपस्थित हैं फिर से ग्रुप डी स्पेशल प्रश्नों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज के क्लास में हम लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को, जो हर हाल में ग्रुप डी एग्जाम में आएगा ही। और मेरा दावा है कि आपको एक ना एक प्रश्न ऐसा इस प्रकार के प्रश्न मिलेगा ही, क्योंकि हमने ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है उस यानी क्वेश्चन बैंक उससे ही लेकर आए हैं। तो देखते हैं आज के पहला सवाल में है कि दिए ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है इसमें कौन सबसे बड़ा है, तो जानते हैं इसको कैसे हल करते हैं। लार्जेस्ट नंबर इसमें खोज दिया, हो सकता है वो पूछ देता लोएस्ट यानी कि सबसे कम कौन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 4 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, यहाँ 6 के पावर 1/4 लिख सकते हैं, 15 के पावर 1/6 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 255 के पावर 1/12। अब क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम यदि लेंगे तो 12 आएगा। 3, 4, 6 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 12। अब 12 से इस प्रत्येक में गुना कर दीजिए, 12 से गुना करेंगे जो हुई तो 12 से 12 कर जाएगा, 6 × 12, यहाँ से 4 × 3 = 12, यहाँ से 3 × 6 = 12, तो यहाँ आप प्राप्त हो गया 4 के पावर 4, यहाँ 6 के पावर 3, और यहाँ 15 के पावर 2, और ये हो जाएगा 255 के पावर कुछ नहीं है अब तो 1, ये होल पावर है दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 × 16 = 64, और 64 × 6 = 24, 4 × 16 और 6 × 24 1 = 25, 256। यहाँ बात कर लें 6 × 6 = 36, 36 × 6 = 216, और 15 × 2 यानी 225, और यहाँ 255 के पावर 1 यानी 255 ही। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा कौन आ रहा है, तो देखने से ही पता चल रहा है कि सबसे बड़ा यहाँ 256 है। तो 256 आया यानी किसके सामने, इसके सामने वाला किस, ये 256 जो है किसके तोड़ने पर आया है, तो क्यूबिक रूट 4 को तोड़ने पर आया है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्यूबिक रूट 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर की बात कर ले तो सी, यानी इसमें सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, तो ये है क्यूबिक रूट 4 है। तो आप ऐसे आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं आप आगे प्रश्न को। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है दूसरा, 1/5 + 99,999.494 = 495 और गुना में है 99। इस तरह से अगर प्रश्न दिख जाए तो आप इसको जल्दीबाजी में कैसे करेंगे, तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया है इस प्रकार के प्रश्न को। हमने बोला था कि इस प्रकार के प्रश्न जब दिखे तो जो बाहर में जो जितना 9 रहे उतना आप लिख दीजिए सबसे पहले, और उस पर उतना 0 दे दीजिए जितना अंदर में दिख रहा है 9, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 को 0 दे देंगे, 2, 4, 1, 5, और यही मेरा आंसर हो गया। और ये तब होता है दोस्तों जब यहाँ से ये काटिएगा ना, नीचे वाला 99 से अगर काटिएगा तो उतना ही मर्तबे कटेगा जितना यहाँ शुरू में आपको दिख जाए बट्टा में, 1/5 है तो ये 5 मर्तबे, देखिए आप काटिएगा तो ये 5 मर्तबे 495 आ जाएगा। तो जब ऐसे प्रश्न दिखे तो कुछ नहीं करना है, बाहर में जितना 9 है दे दीजिए, अंदर में जितना 9 है उतना 0 दे दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। ये दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न में देख रहे हैं कि √5 + √11 + √19 + √29 + √29 + √49 और बराबर वाट। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ डॉट डॉट करके इन्फिनिटिव तक नहीं है। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि डॉट डॉट इन्फिनिटिव हो तो उसको हम बनाए थे जो तरीका से, उसमें और इसमें बहुत अंतर है, इसमें वो तरीका लागू नहीं होगा, इसको तो और चुटकी में बनाएंगे कैसे, तो रूट के अंदर से निकाल दीजिए बस हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 49 है लास्ट में, लास्ट से ही चला जाता है, तो 49 का वर्गमूल आप जानते हैं 7 इसमें ऐड हो जाएगा तो 29 और 7 हो जाएगा 36, फिर 36 का वर्गमूल निकालिएगा तो 6 होगा, इसमें जुटेगा तो 25, 19 = 6 = 25, 25 में
25 का फिर वर्गमूल 5 आ जाएगा, 5 इसमें जुड़ेगा तो 11, 5 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 इसमें जुड़िएगा तो 5 4 9, और रूट अंडर 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो इसका आंसर 3 हो गया। बस इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, बस लास्ट से हमको चलना पड़ता है, उसमें ऐसे प्रश्न में आपको लास्ट वाला हर हाल में वर्गमूल से निकलेगा ही, और वो ऐड करते करते फिर निकाल लेते हैं आसानी से। तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्नों में। ऐसे प्रश्न आपको दिखा ही होगा और बार बार ये पूछता ही है। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 22 माइनस अंडर रूट 31 प्लस अंडर रूट 29 माइनस अंडर रूट 16, इसको कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा? तो फिर पिछल का प्रश्न पर ही आधारित है, यहाँ प्लस और माइनस मिला के दिया है, कोई बात नहीं है। यहाँ 16 का वर्गमूल कितना, 4 निकलेगा, 4 इसमें से घट जाएगा तो 25, 25 के वर्गमूल 5, 5 इसमें अब जुड़ जाएगा तो 31, 5 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 इसमें से अब घट जाएगा तो 16, 6 22 होता है, 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल 4 निकले के इसमें जुड़ेगा तो 5 4 9, और 9 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, 3 आंसर। आइए देखते हैं आप अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों पांचवा, दिया गया है कि रूट 3 बराबर 1.732, तो रूट अंडर 192 माइनस 1/2, रूट अंडर 48 माइनस रूट अंडर 75 बराबर वाट। ले हो गए क्लियर, ये में तो पूरे से हो गए। स्टार्ट कीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि रूट 3 बराबर 1.732, तो रूट अंडर 192 माइनस 1/2, रूट अंडर 48 माइनस रूट अंडर 75 बराबर वाट। यहाँ गिवन यानी दे चुका है रूट 3 का मान 1.732, ऐसे भी 3 का वर्गमूल जो होता है 1.732 होता है। खैर छोड़िए, जो भी हो लेकिन जो दिया है हम उसी का यूज करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं। पहले 192 है दोस्तों, 192 और माइनस 1/2 अंडर रूट 48 माइनस अंडर रूट 75, इसको यदि हम तोड़ ले तो चूंकि रूट तीन का मान दे ले है, तो इसको ऐसा तोड़ेंगे कि रूट तीन सब में आ जाए। तो अगर हम 3 से इसको भाग देते हैं तो कितना होगा, 3 6 18, 1 3 6 12, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 64 × 3, और माइनस 1/2 अंडर रूट इसको लिख सकते हैं दोस्तों 16 × 3, 16 3 48 हो जाएगा। माइनस 75 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 3 लिख सकते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों लिखे, तो चूंकि दिया है रूट 3 का मान तो समय रूट 3 आ जाएगा, तब तो हम मान पुट कर देंगे। अब यहाँ से देखें तो 64 का वर्गमूल 8 8 64 8 निकल जाएगा, ये रूट 3 बच जाएगा। यहाँ से 1/2, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, रूट 3 बचेगा। माइनस 25 का 5 और रूट 3, यहाँ से देखते हैं 2 2 4 कर जाएगा तो 8 √3, और माइनस का यहाँ 2 √3 माइनस 5 √3, अभी दोनों माइनस में है तो सेम चिन्ह रहता है तो जोड़ देते हैं, 2 √3 है, 5 √3 7 √3 हो गया। 8 √3 में से अब 7 √3 घट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, रूट 3, और रूट 3 का मान दे ले है 1.732, तो इस प्रकार आंसर प्राप्त हो जाएगा। कितना आसानी से बन गया, आप लोग देख के घबरा गए होंगे, तो दोस्तों क्वेश्चन को देख के घबराएं नहीं, उसे हल करने की कोशिश करें, जितना इजी वे में हो हल कीजिए। तो हम अपने क्लास को आप यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ रहे स्वस्थ रहे सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।